आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, इन चीज़ों को आप देख सकती हैं कि आप में से बहुत से लोग हैं जो कि पोषण अभियान में पिक्चर को अपलोड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन को लिखने के बाद आपके द्वारा सीधे सबमिट कर दिया जाता है। ऐसे एक नहीं, कई मामले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा है पोषण अभियान में, तो आपके द्वारा जो भी कार्यक्रम है उसको भर के सीधे सबमिट किया जा रहा है। यहाँ पे फ़ोटो नहीं लगाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट दिया है, एक्टिविटी दी गई है और 21 तारीख वाले दिन का ये कार्यक्रम है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कहीं पे भी फ़ोटो को मेंशन अलग से नहीं किया गया है। तो अगर आप लोग फ़ोटो नहीं लगाएंगे तो CDPO या फिर DPO मैडम के द्वारा इस चीज़ को नहीं माना जाएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को किया गया है। सिर्फ आपके विदाउट फ़ोटो आप कार्यक्रम मना रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि हर किसी के पास एंड्रॉयड का फ़ोन नहीं है फ़ोटो क्लिक करने के लिए। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिखा है रंगोली प्रतियोगिता आंगनबाड़ी केंद्र ठौकर, तो मतलब इनके द्वारा जो भी रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्र में किया गया तो उसकी आप फ़ोटो भी यहाँ पर कर सकते हैं फीड। अब चलिए बहनों, कुछ मुख्य चीज़ों पे भी बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके मानदेय की भी खबरें हैं बहनों। सभी कार्यकर्ता पोषण पखवाड़े की जो एंट्री है वो सिर्फ 18 से 21 की डेट तक ही करेंगी। जैसे ही 22 तारीख है, जैसे कि आज, तो आप 22 तारीख की डेट क्या आपको नहीं करना है, मतलब 18 से 21 तक में जितनी भी डेट होती हैं हर एक डेट में तीन तीन आपको एंट्रियाँ करनी हैं, 3 से 4 एंट्री। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सभी को 4 एंट्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करनी है। एक डेट पर 3 एक्टिविटी डालना है, डेट सेम रहेगी लेकिन एक्टिविटी आपकी अलग अलग रहेगी। मतलब कोई प्रभात फेरी कर सकता है, कोई पोषण रैली कर सकता है, गृह भ्रमण कर सकता है, रंगोली कर सकता है, एनीमिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, मतलब 3 कोई भी कार्यक्रम आपको एक डेट में करनी है। एक्टिविटी अलग अलग होनी चाहिए। आप देख सकते हैं सभी लोग बैक डेट पर जाके 17 तारीख 18 तारीख 19 तारीख की एंट्री करेगा, जिसमें 17 तारीख को प्रभात फेरी रहेगा, 18 को अन्नप्राशन रहेगा तथा 19 को एनीमिया एक्टिविटी भी डालनी है। और इस चीज़ का जो है स्क्रीनशॉट भी आप लोग ग्रुप में अलग से सेंड कर सकते हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं में जो चल रहा है ये कार्यक्रम, इसको फ़ोटो ग्रुप में डालें। अन्नप्राशन जो है बच्चों के, चाहे वो नाश्ते का हो खाने का हो, उसका भी फ़ोटो चाहिए। और कार्यकर्ता बहन के द्वारा अगर गोद भराई की जा रही है तो उसकी भी फ़ोटो आपको डालनी है। सभी कार्यकर्ताओं में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी जो फ़ोटो है वो आपको ग्रुप में डालनी है। तो अन्नप्राशन, बच्चों के खाने नाश्ते की, गोद भराई की, ये सभी फ़ोटो डाल के आपको केंद्र का नाम भी ग्रुप में आपको लिखना है। तो इस तरीके का जब भी आप सबमिट सक्सेसफुली करें तो आप फ़ोटो और डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर ऐड करें। तो बहनों, आप लोग क्या है कि कमेंट नहीं करती हैं। देखिए यहाँ पे एक बहन का कमेंट आया, इसमें लिखा था भैया जी मेरे खाते में 17 मार्च को 24 रुपये काटा गया, 15 दिन की हड़ताल का 26 रुपये भी काट लिया गया है। तो मतलब कई ऐसी भी बहनें हैं जिनका पेमेंट जो है हड़ताल की वजह से कटा है, फिर चाहे भले ही कम कटा हो तो आप लोग अपने पासबुक की एंट्री ज़रूर करवाएं। वहाँ पे देखिए आप लोगों की कोई छोटी से छोटी राशि वहाँ पे काटी गई है कि नहीं, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा आ रहा है कि कहीं पे 25 रुपये काट लिया गया हड़ताल का, कहीं पे 50 रुपये की, कहीं कहीं का कमेंट तो ऐसा है जैसे कि 150 रुपये 200 रुपये भी हड़ताल के अलग से काट लिए गए हैं। तो आप लोग कमेंट में ये चीज़ें ज़रूर लिखा करें। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि जो भी नई आंगनबाड़ी खबरें आएंगी वो आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएंगी अपडेट देखने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों का मानदेय कटा है कि नहीं, पासबुक की एंट्री कराएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। तो बहनों, आपको सीधे पोषण लिखना है। ये पोषण आपने ट्राई किया, सबसे ऊपर देखिए आपको पोषण अभियान यहाँ पे दिखा, आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। जैसे पोषण आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरा एक प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ तक कि बहनों आप यहाँ सिलेक्ट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके आप ये देख सकते हैं कि कितनी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा इन चीज़ों को भरा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने डाटा एंट्री के लिए। यहाँ सबसे ऊपर आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, दाएं साइड में ऊपर 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए
डैशबोर्ड, गैलरी, डाटा एंट्री, तीन चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे MOW&CD 2343010 जो पासवर्ड है वो मैंने सेव कर रखा था, तो देखिए उसको क्लिक करते ही आपका ये जो है पूरी तरीके से खुल गया है। अब यहाँ पे रुकिए, मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ। ग्रुप जो है पोषण पखवाड़ा ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। थीम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे स्वस्थ बालक स्पर्धा हो, सक्षम आंगनबाड़ी हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो आप उस चीज़ को यहाँ पे फीडिंग कर सकते हैं। देखिए स्वस्थ बालक स्पर्धा में लिया, ऑर्गेनाइजर में MOW&CD ही रहेगा। महिला और बाल विकास के द्वारा जो है प्रोजेक्ट अभी आप डाल सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी डाल सकते हैं यहाँ पर, तो हम प्रोजेक्ट ही डालेंगे। एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि जैसे कि बच्चों की ग्रोथ वाला हम डाल देंगे सेकेंड नंबर। डेट हमको 22 की नहीं डालनी है, 19 तारीख भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि 18 से 21 तारीख के बीच वाला पुरुषों की जो संख्या है कितनी थी, तो वो चीज़ हम फीडिंग करेंगे। जैसे यहाँ पुरुषों की संख्या 6 लोग उपस्थित हुए थे, महिलाएं 9 उपस्थित हुई थी। जो बालक हैं वो बालक भी 9 बच्चे आए थे यहाँ पे, बालिका जो हैं 4 आई थी। तो टोटल ये देखिए यहाँ पे ब्राउज फीचर 28 है, उनकी जो भी यहाँ फ़ोटो रिलेटेड होगी आप यहाँ पे वो फ़ोटो भी क्लिक करके डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अगर कुछ भी लिखना हो तो आप यहाँ से लिख कर अब सीधे सीधे यहाँ पे देखिए आपको सबमिट लिखा हुआ दिख रहा है, सबमिट को क्लिक कर देंगे। सिंपली यहाँ पे सबमिट सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो दोबारा दूसरी एंट्री उसी तरीके से कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो बहनों वीडियो को मिलेंगे अगली वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।